अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में असल बात होती है अवामी मसाइल के हवाले से, अवामी मामलात ज़ेर बहस आते हैं और सियासी नौयत के मामलात प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे पैगाम आपके मौसूम हुए, गुज़िश्ता रोज़ भी जो नशस्त हमारी रही है उसमें कोशिश हमने ये की कि जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं वहाँ की जो सूरत हाल है उस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। और ये मौजू इस वक्त शायद इसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने बड़ी तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू की है और इस बात पे बहुत ज़ोर प्रोग्राम में डाला गया कि वो जो जज्बा था लोगों का खिदमत का वो कुछ मानसा पड़ गया है। और जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं ख़ासतौर पे इन पसमानदा इलाकों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं और मौसम में तब्दीली के बायस उनकी परेशानियों में बेपनाह इजाफा हुआ है। तो ये समझने की बात है, वो जो कार खैर के काम थे, वो जो निजी इदारे थे चंद एक जो पेश थे, उनसे भी गुजारिश और दीगर लोगों से भी गुजारिश है जो दूसरे ममालिक से आके यहाँ पर बढ़ चढ़ कर खैर के कामों में हिस्सा ले रहे थे, वो इस सिलसिले को रुकने ना दें, बल्कि इस वक्त शायद पहले से ज़्यादा जो मुतासरीन हैं उनको आपकी ज़रूरत है। तो इसके बारे में ज़रूर सोचिए। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। और आपको याद होगा जो प्रोग्राम देखते हैं कुछ दिन पहले प्रोग्राम के अंदर एक मौजू ऐसा जिसके ऊपर थोड़ा बात करने का मौका मिला वो ये कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविज़न स्क्रीन है, इसके ज़रिए क्या कुछ दिखाया जा रहा है और इसके ज़रिए क्या कुछ बेहतरी लाई जा सकती है, ये ड्रामों और फिल्मों के ज़रिए क्या मैसेज दिया जा सकता है। और इसके इस्तेमाल के हवाले से इससे पहले भी यकीनन मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में फोरम्स के ऊपर बात हो चुकी है कि ये एक वाहिद ज़रिया है जिससे गरीब ममालिक में या उन ममालिक में जहाँ पे शराय खानदगी ना होने के बराबर है, ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान कहने को तो 40% या 50% के करीब आबादी का एक हिस्सा है जिसको तालीम याफ्ता तो नहीं कहा जा सकता, खानदा ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन अभी भी बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें तालीम की कमी है। अब ये एक अलग बात है कि बुनियादी हकूक़ में उनके शामिल है, आईन इस चीज़ को यकीनी बनाता है, ये जिस आईन के दिन रात हवाले दिए जाते हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये बुनियादी हक इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स का कि उसको बुनियादी तालीम दी जाए और ये रियासत की जिम्मेदारी है। मैं बात कर रहा था ये जो मीडिया है और जो मीडियम है टेलीविज़न, इसके ज़रिए जो कुछ दिखाया जा रहा है इससे लोगों को एजुकेट किया जा सकता है, उन मसाइल के ऊपर बात की जा सकती है जो बड़ी देर से हम लोग दरपेश हैं। और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, मैं नाम लेता चला जाऊं, ऐसे लातादाद मौजूदात हैं जिसके ऊपर ज़रूरी है कि इस्लाह की जाए और वो यही ज़रिया बनता है जिसके ज़रिए हम इस्लाह कर सकते हैं, मेरा ये ख्याल है, हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन इसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा। और फिर ये जो फिल्मों के हवाले से भी बात हुई, ये भी एक ज़रिया है, पूरी दुनिया में हम देखते हैं साइंस फिक्शन मूवीज़ बनती हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से बनती हैं, लोगों में इसके हवाले से शऊर बेदार किया जाता है। और न जाने कितने ऐसे मौजूआत हैं जिसके ऊपर हम देखते हैं कि फिल्म्स बनाई जाती हैं। अभी हालिया दिनों में हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही एक सिलसिला हुआ, बड़ी मशहूर एक फिल्म हुई और देखने का मौका मिला। बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ी फिल्म है और न जाने इस तरह की कितनी बातें की जा रही हैं, लेकिन यकीन कीजिए पाकिस्तान के कल्चर से दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ी हैरान कन बात है कि पूरी दुनिया में ये दिखाया जा रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ शायद ये कल्चर है पंजाब में कि वो गंडासा ले कर एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ते हैं और इस तरह जो है वो मैदानों के अंदर और इस तरह एक दूसरे से जो है वो मामलात के जो फैसले होते हैं वो लड़ाई झगड़े के ज़रिए और इस तरह किए जाते हैं। बहरहाल अब ये समझने की बात है
कि इसको किस तरह लिया जाता है, और जहाँ पर शऊर और आगही की कमी हो, अगर इस तरह के मामला मौजूआत के ऊपर फिल्में बनेंगी तो यकीनन ये बिगाड़ का सबब बनेंगे। और इसके अलावा भी आजकल एक मौजू सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस है एक मूवी के हवाले से, खैर उसके ऊपर आगे चल के कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें जुड़ी हैं एजुकेशन से, तालीम से, तो कोशिश करेंगे इन मामलों के ऊपर गुफ्तगू करें। बात अपनी मुख्तसर करूँगा, स्टूडियोज़ में मेहमान तशरीफ़ फरमाएं, उनसे मुख्तलिफ मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, अख्तर आरई साहब, माहिर तालीम हैं, तंजियाकार हैं, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध के सदर भी हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी अख्तर आरई साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, हमारे देरीना दोस्त, आप अक्सर व बेशतर प्रोग्राम में उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, एक सियासी जमात से आपकी वाबस्तगी है, पाक सरजमीन पार्टी उसका नाम है, यहाँ पर हमारे साथ आज सुबह के वक्त एक दफ़ा फिर मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश कुलवर्धक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अख्तर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे, ये बड़ी लंबी तमहीद प्रोग्राम की इब्तदा में बांधनी पड़ती है ताकि देखने वालों को ये बात समझ में आए कि मौजू आज का है क्या। तालीम से आपका बराए रास्त ताल्लुक़ है, एक बड़े तवील अरसे से आप इस शोबे में खिदमात अपनी अंजाम दे रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि लोगों को एजुकेट करने के लिए बेहतरीन जरिया हो सकता है ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ख़ास तौर पे, मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, और कुछ ऐसे मौजूआत हैं आजकल जो ज़ेर बहस आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अब हम पाया जाता है कि ये हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, या शायद इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मंजरकशी कर रहा है कि हम लोग ठीक नहीं हैं और बाहर दिखाया जा रहा है। यहाँ से चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करें और उसके बाद फिर जो दीगर मसाइल हैं एजुकेशन के हवाले से उस पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। यकीनन आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो दिया, और इसमें कोई शक नहीं, तालीम जो है वो ना सिर्फ हो सकती है इस मीडियम के ज़रिए बल्कि ये कई दहाइयों से ये हो रहा है। ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज के ज़रिए जो है, जो फिल्मों के ज़रिए, यानी कि एक कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए, उसको नॉलेज वो करने के लिए ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बनती है, डॉक्यूमेंट्री एक डायरेक्ट मीडियम है, डायरेक्ट एक फिल्म होती है जो किसी भी टॉपिक के ऊपर बनाई जाती है और वो की जाती है। इनडायरेक्टली बाज स्टोरीज टेलिंग के ज़रिए, जो स्टोरीज टेलिंग ने शेप अख्तियार कर लिया फिल्म की सूरत में, ड्रामों की सूरत में, कि उसमें स्टोरीज होती हैं और उससे आगाही दी जाती है, तो ये भी एक तालीम का बेसिकली जो आउटकम है वो इल्म है जी। ठीक है, तो जो इल्म यानी जिसको नॉलेज कहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, तो उस प्रोसेस का नॉलेज है। तो नॉलेज देने का जो दूसरे पैरेलल रास्ते हैं वो ये है। तो जब हम कोई कल्चर को डेवलप करना चाहते हैं, या हम कोई, चाहे वो गंडासा लेके वाली बात जैसे आपने फरमाई और पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था, तो ज़ाहिर है कि इस तरह का दिखावा एक तो होता है सिर्फ शौक और चस्का, ठीक है, ख़ास क्लास है बेचारी, वो सारा दिन मजदूरी करती है, सारा दिन बेलचा लेके और ज़मीनों में, या फिर मजदूरी करती है, या जिस टाइप का भी वो दिहाड़ीदार टाइप के लोग होते हैं, वो थकावट को उतारने के लिए बस उनको तो उसी टाइप की थोड़ी सी एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। हम प्रोडक्शन वाले प्रोड्यूसर ये नहीं सोचते, हमारी इंडस्ट्री या हमारे जो हुक्मरान ये नहीं सोचते कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, बिल्कुल ठीक, असल इशू ये है। इसी तरह अगर दूसरी तरफ आ जाएं कि कुछ ऐसी मूवीज़ और फिल्मों के ज़रिए भी हमारी नई नस्ल को ऐसी जहन में बातें डाली जाती हैं कि वो जिस डायरेक्शन में शायद उसको लेके जाना चाहते हैं, तो ब्रॉडअप में बहुत बड़ा उसमें होता है, बिल्कुल ठीक है। आप बाज़ मुल्कों के हमारी ही मिलती जुलती ज़बान में जो कार्टून्स दिखाए जाते हैं वो सिलसिला शुरू हो जाता है वहीं से, और उसकी लैंग्वेज, उनके बिहेवियर, यानी कि वो सारी चीज़ें करते कराते, आजकल भी ऐसे ही हो रहा है। जैसे कि अभी आपने एक इशारा किया है कि एक ऐसी फिल्म भी आई है पाकिस्तान में जो कि जिसका ताल्लुक भी हमारे कल्चर से नहीं है जी। तो ये फिक्र का एक लम्हा है हमारी नेशन के लिए जी। और हमें अपने राइट और रॉन्ग का पता होना चाहिए, जिस माशरे में बच्चा जो है, जो इन्वायरमेंट में देखता है वो करता है, बिल्कुल ठीक है। जो इन्वायरमेंट आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, दिमाग के 5-6 दरवाजे हैं, इनके ज़रिए जो जाता है वही अडॉप्ट भी करता है, अडॉप्ट करता है, बिल्कुल। अगर माँ जो है बच्चा कंसीव करती है और माहौल के अंदर वो टीवी की स्क्रीन देखती है, उसका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, तो बच्चा तो स्क्रीन देखने वाला ही पैदा होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने मजा फरमाया।
ठीक है, 100% दुरुस्त है, साइंस साबित करती है। हाँ, साबित करती है। तो अगर घर में पेरेंट्स सब इस एक खिलौने से लगे हुए हैं जी, तो क्या उम्मीद करेंगे कि बच्चा जब उसके हाथ पैर चलेंगे 1.5-2 साल के अंदर, तो क्या वो अपने पेरेंट्स का ही स्मार्टफोन लेके उसको यूं यूं नहीं करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, यही हो रहा है, आपने बिल्कुल ठीक। मजाक की बात नहीं है, बड़ी सच्ची बात है कि आपने ऐसी रिसर्च भी आई है कि एक बंदर जो होता है वो भी अगर उसके हाथ में मोबाइल दे तो वो भी देख दे के यूं यूं करता है, बिल्कुल ठीक है, उसको यूं यूं करता है, यानी कि वो बटन दबाता है जी। तो व्हाट ही इज डूइंग, बिल्कुल ऐसा ही, वो भी ट्रेन हो गया। इंसान तो एक अशरफुल मखलूकात है ना जी, एक ऐसी मखलूक जो जानवरों की कैटेगरी में है, वो भी उस एनवायरनमेंट से अफेक्टिव होता है। तो बच्चे तो भाई ये देखेंगे ना, बिल्कुल, फिर उसी में सोशल मीडिया है और बहुत से मामलात हैं। तो आउटकम इसका ये है कि जो उसको नॉलेज मिल रही है उसी नॉलेज को एक्सरसाइज करते हैं। मैं अक्सर बताता हूँ कि बेसिकली व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑक्सीजन की तरह, जैसे हवा में मिक्सर है जी, इसी तरह हमारे सराउंडिंग में इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही, समुंदर की बात करते हैं पानी की तरह, मगर उस पानी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। गूगल एक खुद समुंदर है, समुंदर है, किताबें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन है जी, आपके पीछे ये लाइब्रेरी है, इसकी ये बुक्स के अंदर इंफॉर्मेशन रखी हुई है, इंफॉर्मेशन है। बस इंफॉर्मेशन को जब एक्वायर करेंगे, जब उसको स्टडी करेंगे, एक सिलेबस बुक्स होती हैं, नॉन सिलेबस होती हैं, मगर जो भी इंफॉर्मेशन हम शौक है उस चीज़ को पढ़ेंगे तो वो इल्म बनेगा, यानी कि वो नॉलेज बनेगी। इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्म होती है इल्म में, यानी नॉलेज में, कि मेरी नॉलेज बन गई, बिल्कुल ठीक है। अब उस नॉलेज को फिर एक्सपीरियंस करना है, बिल्कुल ठीक है, अपनी अमली जिंदगी में। बच्चा भी ऐसे ही करता है, जो देखता है उसको वो करता है, बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं माजरत के साथ बैठे हुए, अगर कहीं वो बदतमीजी वाले बैड लैंग्वेजेस सुनता है तो वो फिर बोलता है, बिल्कुल ठीक है ना, एनवायरनमेंट से। तो वो जब एक्सपीरियंस बनती है तो वो सिलसिला एक ऐसा चल पड़ता है कि वो उसकी नेचर का हिस्सा बनते हैं। साइंसदान ये कहते हैं जिन्होंने रिसर्च की है, 0-6 और बास कहते हैं 0-7, 7 साल या 6 साल तक बच्चा जो सुनता है, जो समझता है, जो देखता है, वो उसकी हैबिट का हिस्सा बनता है, उसकी नेचर का हिस्सा बनता है। जो लैंग्वेज लिसनिंग होगी वही स्पीकिंग होगी, जो रीडिंग होगी वो राइटिंग होगी। बिल्कुल सही है, लिसनिंग जो करेगा वही बोलेगा। अगर किसी घर में डैडी मम्मी बोला जाता है तो वो डैडी मम्मी शुरू करेगा, बिल्कुल ऐसा। किसी घर में अगर मुंह से बच्चे से अल्लाह कहलवाया जाता है तो वो भाई वही बात करेगा, दोहराएगा ऐसा। तो अगर किसी में बाबा बोलते हैं तो वो बाबा मामा बोलेगा, सही है। तो जो लिसनिंग होगी वो स्पीकिंग होगी, यानी कि वही उसकी मदर टंग होगी। मदर टंग माँ की जबान नहीं होती, मदर टंग बाप की जबान नहीं होती, मदर टंग वो होती है जो 0-6 में वो बच्चा सुनता रहता है अपने एनवायरमेंट में, वही जब बोलना शुरू करता है तो वही मदर टंग होती है। तो इसी तरह उसी सालों के दरमियान में जो एनवायरमेंट में देख रहा है, जो वो 5 साल 4 साल 6 साल में कार्टून देख रहा है या वो गंडासे वाली मूवी देख रहा है या कुछ और चीज़ें देख रहा है, तो बच्चा वही करेगा, वही सीखेगा। तो लिहाजा हमें सिर्फ वालदेन पे अब आ गई, क्योंकि हमारी एनवायरमेंट में हम किरदार हैं, हम रोल हैं। सबसे चार दीवारी जो है माँ की गोद एनवायरमेंट, फिर उसकी चार दीवारी है, ऐसा ही है, मिलने जुलने वाले लोग, रिश्तेदार, उनकी क्या लुगत है, किस तरह से गुफ्तगू है, कैसी चीज़ें वहाँ चल रही हैं घर में, फिर वो स्ट्रीट एनवायरनमेंट, फिर सिटी एनवायरनमेंट, फिर चलते चलते वो सारी कल्चर और ये वो सारी चीज़ें। तो लिहाजा हमें अपने बच्चों की परवान चढ़ाना, उसकी ब्रॉडअप जो है वो इतना मुश्किल हो गया है, उसकी तालीम और तरबियत इतनी मुश्किल हो गई है कि हमें ये तमाम मीडियम को इग्नोर नहीं करना। ये पिछली कई सदियों से जिस पे आप सवाल किया था वो हमारे ऊपर इफेक्टिव हैं। एक अगर इजाजत दें, टाइम ज्यादा हो रहा है, मगर एक पहले ट्राइंगल बनता था, अगर मैं यूं ट्राइंगल बनाऊं, ये यूं ट्राइंगल यूं बना दें, तो ये जो कॉर्नर है ये जो है ये पहला कॉर्नर घर है, वो चार दीवारी, वो माँ की गोद जहाँ से एनवायरनमेंट शुरू होता है, ठीक है। दूसरा कॉर्नर जो है वो आपका मोहल्ले का स्ट्रीट एनवायरनमेंट, मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, पहला एनवायरनमेंट आपका घर, दूसरा कॉर्नर जो है वो आपका जो जो वो है स्ट्रीट एनवायरनमेंट या मोहल्ला या नेबरहुड एनवायरनमेंट, ठीक है। तीसरा जो है आप जहाँ पर उसको तालीम के लिए भेजते हैं, जहाँ आप किसी मदरसे में भेजते हैं, तालीम इदारे में भेजते हैं, किसी भी जगह भेजते हैं, थर्ड वो एनवायरनमेंट है। मगर इसके अंदर एक फिर कॉन्सेप्ट, ये 50 साल जब PTV आया तो उसके बाद चेंज हुआ कि यूं करके ये स्क्वायर बन गया, एक और कॉर्नर आ गया, एक विंडो और खुली, यानी एक घर
का एनवायरनमेंट है कॉर्नर, तो दूसरा घर के अंदर एक ग्लोबल एनवायरनमेंट है। बहुत खूब। जैसे चैनल चलते हैं, जब डिश आया तो आप अंदाजा लगा लें कैसे चैनल थे, कि बच्चा चार दीवारी के अंदर भी महफूज नहीं है। वही जिसकी तरफ आपका इशारा था कि ये जो मूवीज होती हैं, ये सारा कुछ होता है, उसका इम्पैक्ट पहले VCR था, फिर कल्चर एक अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों का देख रहे हैं, फिर उसके बाद कोई और भी वीडियो देख लें वो दिखाई जा रही है, तो घर की चार दीवारी भी महफूज नहीं रही, बिल्कुल ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, हमें सोचना है इस बात पे कि हमने अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी, कैसे करनी है। बेसिक एजुकेशन के अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल की जानी ज़रूरी हैं। बड़ी खुलकर इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है, इसकी निशानदेही और वजाहत ज़रूरी थी, और होता हमेशा अमूमन ये आया है। अब ये कहने दीजिए ये बात कि हमारे यहाँ हर चीज़ को एक तो उसका मजाक बनाया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ों का भी मजाक बनाया गया अख्तर भाई, उसका तमस्कर उड़ाया गया जो कि नहीं होना चाहिए था। मुझे याद है कि पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स जो है वो दिखाए जाते थे, अभी भी दिखाए जाते हैं, जो जो फार्मिंग के हवाले से ख़ास तौर पे और ट्रैक्टर के हवाले से, मशीनरी के हवाले से बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर चलाई जाती थी और इतनी इन्फॉर्मेटिव हुआ करती थी कि उसको बार बार आप देखें, आप उससे कभी बोर नहीं होते थे। फिर बहरहाल हमने देखा कि बाद में एक बड़े मशहूर और मारूफ हमारे फ़नकार थे, उन्होंने जनाब उसके ऊपर जो है लतीफ़े बनाना शुरू कर दिए कि इसके ऊपर ट्रैक्टर दिखाया जाता है, ट्रैक्टर के दो पहिए दिखाए जाते हैं। समझने की बात यह है कि आज हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर, फूड क्राइसिस के हवाले से बात कर रहे हैं, हम ज़रा तवज्जो रहे, आज सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास अच्छे फार्मर्स नहीं हैं, एजुकेटेड फार्मर्स नहीं हैं। वो जो लैंड हमारे पास थी जिसके ऊपर हम ये क्रॉप्स उगाया करते थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। अब आपको याद आएगा कि एक ज़माने में इसके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम्स किए जाते थे, फार्मिंग के हवाले से बताया जाता कि फार्मिंग होती किस तरह है, फ़िश फार्मिंग कैसे होती है, दीगर जो मुर्गियाँ वगैरह पालते हैं वो किस तरह की जाती हैं। हम साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीद बहुत करते हैं, एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने जब आई, उन्होंने इस बारे में कहा कि जनाब फार्मिंग की तरफ जाना होगा, मुर्गियाँ पालनी होंगी और तमाम चीज़ें, तो उसका बड़ा मजाक बनाया गया। लेकिन मैं उस वक्त ये सोचने पर मजबूर था कि बड़े काम की बात ये कर रहे हैं, और अगर वाकई ये तमाम चीज़ें मटेरियलाइज हुई तो आपके यहाँ इंडस्ट्री देखें किस तरह से ग्रो करेगी, और ख़ासतौर पर कॉटन इंडस्ट्री और दीगर जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, लाइव स्टॉक है आपका, वो करेगा। लेकिन वो सब आपने एक मजाक की नज़र कर दिया, और उसके बाद देखें आप, उसके बाद तमाम चीज़ें टेलीविज़न से चली गई और उसकी जगह आपको जो कुछ दिखाया जा रहा है, हम खामोश हैं इसके ऊपर। जी गुलवर्धक साहब, आपकी तरफ आऊँगा, सियासी मौजूदात पर आप गिरफ्त रखते हैं और सियासी मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी आपसे, ये जो अभी एक मसला दरपेश है हमें इंतखाबात के हवाले से, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, तो ख़ासतौर पर जो दही इलाके हैं उनकी, तो उसकी वजह से मुमकिन नहीं हो पाएगा कि आम इंतखाबात जो हैं वो, ख़ासतौर पर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो करवाए जा सकें। लेकिन मैं आपसे हमेशा एक सवाल करता हूं कि इसके ऊपर दीगर जमातें सरापा एहतजाज नज़र आ रही हैं, लेकिन आपकी आवाज़ कहीं बहुत दूर से सुनाई दे रही है, ऐसा क्यों है, ये फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया है सर भाई। मैंने पहले भी प्रोग्रामों में एक बात वाज़े बयान किया है कि सियासत 2000 से अब कुछ मुख्तलिफ हो गया। बिल्कुल, आप फरमा चुके हैं इससे पहले भी ये बात। बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दे देता हूँ, इसका एक पॉलिटिकल मिसाल दे देता जी, हूँ जी। खान साहब जो था, इमरान खान साहब, ये दुनिया का एक हीरो था, पाकिस्तान के न, पाकिस्तान के नहीं सारे दुनिया, दुनिया एक हीरो था, ठीक है, जब ये सियासत में नहीं था। हुँ। तो जब ये सियासत में आया तो इसका तकरीबन 60% वैल्यू गिर गया, ठीक है, दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, ठीक। तो जब प्राइम मिनिस्टर बना, वज़ीर आज़म जो बना, तो उनकी जो सियासत था हमारे नज़र में, मेरी ज़ाती राय है कि उसको अल्लाह ताला ने उनका जो हीरोपन था वो ज़ीरोपन में लाया। वाह, बहुत खूब, हीरोपन से ज़ीरोपन में, ज़ीरोपन, वाह। यकीनन वो एक हीरो था, वर्ल्ड का एक हीरो था, पाकिस्तान का एक हीरो था, एशिया का एक हीरो था। तो ये अगर अल्लाह ताला इसको वज़ीर आज़म ना बनाता तो ये जीरो पर ना होता, वाह, ये जिंदगी भर हीरो रहता, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप मतलब फिर इनसे कुछ, फिर पौने चार साल के बाद इनको हटाया गया, अगर रब्बुल आलमीन इसको हटाता नहीं था तो अंदर जो इनकी जो जरासीम पड़ा तो
बाहर नहीं आता था जिंदगी भर, फिर वो बाहर आना शुरू हो गया। ठीक है, ये सियासत, ये जो इलेक्शन, जो इलेक्शन जो डिले होता है, जो लोग सियासत करते हैं, इसमें हर कामयाब हुआ शख्स कामयाब नहीं होता है। ठीक है, जो किसी भी शोबे में कामयाब हुआ हो सियासत में कामयाब नहीं हो सकता, ऐसा क्या है? ऐसा, हाँ जी। ठीक है, आप अगर दूसरा कोई अगर शख्स नाकाम हो गया इंतखाबात में, तो वो फिर नाकामी उनकी नहीं है। अच्छा, जो भी पार्टी हो, ठीक है, वो नाकामी नहीं है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नाम पे एक मजबूत पार्टी बनी है, उनको तो चाहिए कि सबसे पहले इलेक्शन वो करा दे, उनको तो चाहिए कि सबसे पहले हवाज वो लगा दे। ठीक है, अगर उनकी जगह पे कोई और पार्टी यहाँ पे हुक्मरान होता था, तो वो कब का कह चुका होता था, तो आसमान को जमीन पे ला चुका होता था कि भाई इलेक्शन करा दो। ठीक है, क्यों नहीं करा रहे इलेक्शन, क्या चक्कर है? तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवालिया निशान यही है कि भाई हम जीत नहीं सकते हैं, नंबर एक। दूसरा, हमारे आवाज लगाने से, हमारे आवाज लगाने से और न लगाने से। एक चीज को सवाल आपसे करना चाहूंगा। जी जी। ब्रेक के लिए कह दिया गया, एक मुख्तसर सी ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद कोशिश करते हैं इस मामले में मजीद गुफ्तगू की जाए। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, एक ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और ये सेगमेंट के आखिरी चंद लम्हात हैं, इसमें जो है वो गुफ्तगू जो है वो सिलसिला उसका जारी रहेगा। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे गुलवर्दक साहब, और कुछ फरमा रहे थे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। जी हुज़ूर, फरमाइएगा। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप जो है वो इस हवाले से क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कोशिशें हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो वो नज़र क्यों नहीं आ रही, इसके ऊपर मैं चाहूँगा आप जवाब अपना मुकम्मल कीजिए। जी सरजमीन पार्टी हालरेट है, वो पहले भी हमारे जो अंदरूनी ढांचा था वो मजबूत था, वो उनको हम और मजीद मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और मजीद कितना वक्त दरकार है इसके लिए, किस चीज़ की मजबूती लाने के लिए? मजबूत है हम लोग, इंशाल्लाह मजबूत है। अगर यहाँ पर सूबाई हुकूमत और उपायकी हुकूमत हमारे साथ ईमानदारी कर ले, हमारे वोट को ना तितर बितर कर ले, तो हम पहले से भी मजबूत था, इंशाल्लाह मजबूत होकर के रहेंगे। और यही हमारे जीत है कि यार हम मैदान में कूदते हैं, हर मैदान में हम चलांग लगा देते हैं। ठीक है, अभी बकाया वो हमें मैंडेट सूबाई हुकूमत दे दे या ना दे दे, वो इनकी बात है, लेकिन हम बिल्कुल अलर्ट, इंशाल्लाह हमारी आवाज भी बुलंद है। मैंडेट सूबाई हुकूमतों से मिलना है? अच्छा, मेरा ये ख्याल शायद आवाम से मैंडेट मिलना था। नहीं नहीं, चोरी कर रहे हैं। अच्छा, वो चोरी कर रहे हैं, यानी दिया जाता है लेकिन उसको चुरा लिया जाता है। अच्छा, ये आपने कहा, बिल्कुल ठीक है। तो ये है जी चक्कर। अच्छा, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं, आखिरी चंद लम्हात हैं। अख्तर भाई फरमाइए कि अब ये बड़ा अहम मौजू है और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी अभी आपने निशानदेही की बड़ी तफसील से। अब इसके ऊपर जोर इसलिए दिया जाता है कि तरबियत का पहलू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तालीम आपके पास से मिल रही है, लेकिन तरबियत का सिलसिला जहाँ से शुरू होता है उसकी निशानदेही आपने कर दी, और हमारी अपनी जो खामियाँ कोताहियाँ हैं, मैं मजीद इसके ऊपर और क्या कहूँगा। आप दुरुस्तगी की बात कर रहे थे, कैसे इसमें लाई जाए, मैं चाहूँगा ज़रा बात मुकम्मल कीजिए। देखिए, इस वक्त चैलेंज बन गया है हमारी तरबियत का। देखिए, यही वो जनरेशन्स हैं जो बड़ी हुई हैं, जो 60% यूथ की बात करते हैं, ये आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले बच्चे थे। ठीक है, जब जिस मुल्क का तालीमी निज़ाम ही जो है बुनियादी तौर पे बिगाड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या बात करेंगे। मैं 1852 से बात करूँ, मैट्रिक सिस्टम जब आया था तो उस वक्त जब खराबियाँ पैदा की गई थी तो पैरामीटर्स ऐसे कर दिए गए थे, तो धीरे धीरे हमारे पूरे जो क्रॉप्स आ रही हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन आ रही हैं, वो ऐसी आ रही हैं कि इस वक्त हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज बन गया है कि मगर कोशिश जारी रखनी चाहिए। तूफान आ रहा है, राइट डायरेक्शन में जाने के लिए हमें रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और उसके बावजूद भी हमें कोशिश राइट डायरेक्शन में ही करनी होगी। इफ़ एवरी वन इज़ डूइंग रॉन्ग, We should do right. Right is always right. Right is तो हम क्यों इस तरह से सोचें? हमारी कोशिश तो माँ बाप को जब बच्चा मिलता है तो कम से कम उसको परवान चढ़ाने के लिए, उसको ब्रॉड अप करने के लिए कुछ तो वैल्यूज हों, और लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे घर में वो सारी चीजें आ गई। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं एक ट्राइंगल की स्क्वायर की बात कर रहा था, वो तो उस वक्त डिश टीवी की बात की, उसके बाद ये इस टाइप की चीजें आ गई। कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जो
दाखिल हो गए, बच्चा एक रूम में क्या यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और कितने दोस्त वर्चुअल बना लिए उसने और पता नहीं क्या चीज़ देख रहा है, पासवर्ड लगा हुआ है, तो बात तो कहीं से कहीं निकल गई। तो इसमें तरबियत बहुत ज़रूरी है, तो तरबियत का एहतमाम करते रहें, कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह कोई ना कोई तो हीरो बनेगा, कोई ना कोई तो माशरे का एक बड़ा अच्छा फ़र्द बनेगा। तो हमें जस्तजू करते रहनी चाहिए, और अल्लाह की ये सरजमीन है, अल्लाह ताला ने अगर पाकिस्तान को बनाया तो पाकिस्तान को बनाया जिस मकसद के लिए बनाया, जिस पाक सरजमीन की हम बात करते हैं, तो ठीक है कि आवा कावा बिगड़ गया, सारे मामलात खिलाफ जा रहे हैं, मगर क्या हम कोशिश करना छोड़ दें? ठीक है, ये नहीं, तो वही एक कुव्वत है जो इस मुल्क को, सरजमीन को कायम रखे हुए, बेशक, तो लिहाजा हमें जस्तु जारी रखनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, और इस दिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी ये कोशिशें रंग लाएंगी और आप एक इस मुल्क को अच्छी जनरेशन दे सकेंगे और खुद भी बाकिरदार हों, बच्चों को वैल्यू सिखाएं, बच्चों को कचरा रोड पे फेंकना ना सिखाएं, हम खुद पानी फेंक देंगे रोड पे तो रोड तो खराब होंगे, वही बात है कि ह्यूमन राइट्स की तो हम बात करते हैं, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल, हम जब जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर देंगे, रास्ते का कांटे का पत्थर उठाएंगे, ठीक है लोगों ने थ्रो कर दिया, बहुत मसाइल हैं, मगर हम हटाते रहे, हटाते रहे, कतरा कतरा समुंदर होता है, एक एक पत्थर हटेगा रास्ता साफ हो जाएगा, क्यों हम गड्ढे खोदें, क्यों हम लोगों को बुरा करें? आजकल जो मसला है वो खाना जंगी की तरफ भी जा रहा है, ये कैफियत का, मगर अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो लिहाजा मेरी मैसेज है आखिरी जुमला कि आपस में खीरो शकर बन के रहें, अल्लाह पे भरोसा करें, जिसने ये मुल्क बनाया है इंशाल्लाह इसको कायम भी रखेगा और सीधे रास्ते पे चले। मियाना रवि, एक जुमला और मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा बात हो जाए। एक सुबह के वक्त एक जो खबर है वो नज़र के सामने से गुजरी है, वो गवर्नर साहब जो नए आए हैं वही फरमा रहा है कि पहली से पाँचवीं तक जो है वो पता नहीं अरबिक के हवाले से मैं ठीक तरह से कंसीव उसको नहीं कर पाया, या कुछ पुरानी तालीम के हवाले से जो कि दी जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि वो नहीं दी जाती, उसके बारे में जोर दे रहे हैं। अच्छा, अब मामला तो और भी बहुत सारे हैं, अब ये मौजू ऐसा है कि इसके ऊपर बात की जाए तो फिर दूसरी तरफ बात निकल जाती है, मैं इसलिए इस पर थोड़ा सा मोहतात रहता हूँ क्योंकि वो जो समझने वाले जो अजहान वो थोड़े नहीं बल्कि काफ़ी हद तक कम है, तो शायद ये बात ना की जाए। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है कि आकर फैसले इम्प्लीमेंट कराना और फिर हर कोई, सबसे पहले अगर एजुकेशन के हवाले से करना है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर बात नहीं है, सिलेबस के हवाले से हर शख्स कोई ना कोई तब्दीली के लिए हम वक्त तैयार है, फरमाइए। देखिए, बहुत सी बातें पहले से मौजूद हैं, कानून में कुरान की तालीम कंपलसरी है, मैट्रिक तक ये भी बहुत ज़रूरी है कि कुरान को नाजरा पढ़ाया जाए, ठीक है, न सिर्फ इस्लामिक स्टडी नहीं, मगर क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें रिबन काटे जाते हैं मगर दोबारा से रीफ्रेश कर दिए जाते हैं, मगर एक्चुअली उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो ये चीज़ें वही हैं जो पहले से भी थी कानून में, पहले से मौजूद हैं, मौजूद भी हैं, और अगर दोबारा से गवर्नर साहब कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें ये करना चाहिए, तो प्राइमरी तक करें क्या, जब तक आप कुरान मुकम्मल कराएं, बहुत अच्छी बात है, ये पहले से ही कंपलसरी है, मौजूद है ये तो, जी पहले से मौजूद है और अच्छी बात है करें, मगर मसला ये है कि अमल दरामद नहीं होता, सबसे ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। गुलवर्दा खान साहब, अब चंद लम्हात मेरे पास हैं, मैं चाहूँगा ज़रा बात मुकम्मल कर ली जाए आने वाले वक्त के हवाले से, जैसे आपने कहा कि हमारा पैगाम तो पहुँच चुका है लेकिन मैंडेट जो है वो चोरी हो रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ज़रा बात चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी और गुफ्तगू कर ली जाए कि ये कहाँ कहाँ से आखिर चुराया जा रहा है, कोई एक जगह ऐसी हो जहाँ से कामयाब होकर इस बात को यकीनी बनाया जाए या ये पैगाम दिया जाए कि देखें यहाँ से तो हम कामयाब हुए हैं, अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो वहाँ से मैंडेट चोरी हुआ है। अब ये जो ज़मीनी इंतखाबात आपके हल्के में हुए हैं, यहाँ से भी कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ और कामयाबी नहीं मिल सकी, इस तरह और ना जाने कितनी और ऐसे हलके हैं, तो क्या सब जगह ऐसा ही हो रहा है कि मैंडेट वाकईतन चुराया जा रहा है और ये ज़्यादती सिर्फ आपके साथ हो रही है, दीगर सियासी जमातें तो ये क्लेम करती हुई नज़र नहीं आ रही, कहीं ना कहीं तहफ़ात ज़रूर हैं, लेकिन ये कह देना कि सारा का सारा मैंडेट चुरा लिया गया, ये तो बड़ी मजहका खेज बात मालूम होती है, फरमाइए। देखिए, हर चीज़ का अपना एक दलाइल होता है, अगर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ईमानदारी से काम यहाँ पे नहीं करता तो इनसे फिर लोग नहीं डरते थे, ठीक है, वो कड़क आदमी है, वो एक सोच का आदमी है, इस वजह से इनको मैंडेट नहीं दिया जा रहा है, हर किसी को दे देगा, इन लोगों की कोशिश ये होता है कि मुस्तफ़ा कमाल को और पाक सरजमीन पार्टी को मैंडेट ना दिया जाए, क्योंकि वो ईमानदारी से काम करेगा, जब काम करेगा तो जो काम उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपया में किया हुआ है वही काम मैं कर लूंगा 70 रुपया पे, तो 930 रुपया तो मैंने कौमी खजाने के लिए बचत दे दी, तो इनकी तो शर्मिंदगी होगी, इनकी तो इंसल्ट होगी, इस वजह से वो करने नहीं देगा, कभी भी करने देगा,
जब अल्लाह चाहेगा और इंशाल्लाह अनकरीब अल्लाह चाहेगा कि वो हो जाएगा और मैंडेट भी मिल जाएगा, इंशाल्लाह हम काम इसी तरह कर लेंगे जैसे हमने माजी में किया है, जैसे माजी को कराची को बनाया था, इंशाल्लाह इस तरह सिंध को बनाएंगे इंशाल्लाह, ये हमारे विजन है। और आखिर में एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब को चाहिए कि अरबी की तालीम तो दे, अच्छी बात है, लेकिन इनके पुराने साथियों को भी कुछ अरबी या इस्लामी तालीम दे। बहुत पुराने साथियों को, ठीक है जी, उसके साथ है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब गुलबर्दक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अख्तर आरानी साहब, दोनों मौजूद मेहमानों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने सुबह वक्त प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और शामिल गुफ्तगू रहे। इस सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ हमें बढ़ना होगा, उससे पहले एक वक्फा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।